नमस्ते दोस्तों, मैं हूं सरोज। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल सरोज का किचन में। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी वेज सूप की रेसिपी। ये सूप पीने में टेस्टी तो होता ही है, साथ ही में बहुत ही हेल्दी है। अगर सर्दियों के टाइम आप इसे बना के पियेंगे तो सर्दी जुकाम खांसी जो भी ये प्रॉब्लम है उनमें बहुत ही मदद करता है ठीक होने में। आप एक बार इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें, बनाना उतना ही आसान है। आप वीडियो के एंड तक बने रहें। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। मैंने यहाँ पे कुछ सब्जियाँ लिया है, इसमें मैंने लिया है पत्ता गोभी, थोड़े से बीन्स लिए हैं, गाजर, हरा प्याज, अदरक लहसुन को मैंने बारीक चॉप कर लिया है। फिर यहाँ पे मैंने लिया है थोड़ा सा स्वीट कॉर्न और प्याज। इसमें कोई भी सब्जी बिल्कुल ऑप्शनल है, आप अपनी पसंद की सब्जी ले सकते हैं, जैसे कि शिमला मिर्च, ब्रोकली, आपके जो सब्जी पसंद है आप ले सकते हैं, और इसमें से कोई भी सब्जी जो है स्किप कर सकते हैं जो ना पसंद हो। चलिए चलते हैं अगले प्रोसेस में। मैंने गैस पर रखा है कढ़ाई, उसमें डाल दिया है एक छोटा चम्मच बटर और एक छोटा चम्मच ऑयल। आप चाहें तो सिर्फ ऑयल या बटर से बना सकते हैं। जैसे ही बटर गर्म हो जाएंगे इसमें हम डाल देंगे अपना बारीक कटा हुआ अदरक और लहसुन, बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। अगर लहसुन आप ना खाते हो तो इसे स्किप कर सकते हैं, सिर्फ अदरक डाल लें। जैसे ही थोड़ा सा हमारा अदरक और लहसुन भून जाएगा ये भी हम डाल देंगे अपनी सारी सब्जियां जो मैंने काट के रखा था, और थोड़ा सा इसको हम मिलाकर भून लेंगे, ज्यादा नहीं, हाई फ्लेम पे। सब्जी में जो है अच्छा क्रंच होना चाहिए, सब्जी जो है ज्यादा सॉफ्ट नहीं होनी चाहिए। ये भी डाल देंगे स्वाद के अनुसार नमक। यहाँ मैंने हाई फ्लेम पे सब्जियों को 2 से 3 मिनट पकाया है, ज़्यादा नहीं। ये भी डाल देंगे हम स्वीट कॉर्न और बारीक कटी हुई प्याज। अब प्याज स्किप कर सकते हैं, आपके ऊपर है। अगर आप नहीं खाते हैं या आपको नहीं पसंद है तब इसे पूरी तरह से स्किप कर सकते हैं, बिल्कुल ऑप्शनल है। ये भी हम ऐड करेंगे पानी। पानी यहाँ पे हम मैंने 1.5 लीटर के आसपास ऐड किया है। अगर आपको ज़्यादा पतली सूप पसंद है तो पानी थोड़ा ज़्यादा ऐड करें, अगर आपको थोड़ा गाढ़ा पसंद है थोड़ा पानी कम ऐड करें। मैंने यहाँ पे 1.5 लीटर पानी ऐड किया है। अब सब्जी को अच्छे से उबलने देंगे। जैसे ही सब्जी में उबाल आ जाएगा ये भी हम डाल देंगे 1 चम्मच, 2 छोटा चम्मच मैंने सोया सॉस लिया है। अगर आपका बड़ा चम्मच है तो 1 चम्मच ले लें। 1 चम्मच मैंने लिया है ग्रीन चिली सॉस, 1 छोटा चम्मच मैंने लिया है रेड चिली सॉस। अगर आप इसे थोड़ा सा हेल्दी बनाना चाहते हैं तभी जो सारे सॉसेस हैं आप इसके इसे स्किप कर सकते हैं। इसे मैंने थोड़ा होटल वाला टेस्ट देने के लिए डाल दिया है। अगर आपको ज़्यादा हेल्दी बनाना है, हेल्दी खाना पसंद है तब इसे स्किप कर सकते हैं, पूरी तरह से ऑप्शनल है। थोड़ा सा इसका टेस्ट बढ़ जाएगा ये सब डालने से, इसके लिए मैंने डाल दिया है। यहीं पे डाल देंगे हम 1 चम्मच चीनी, 1 चम्मच कुटी हुई काली मिर्च का पाउडर। अगर आपके पास पाउडर नहीं है तो फ्रेश काली मिर्च कूट कर डाल सकते हैं। यहाँ पर मैंने लिया है 2 बड़ा चम्मच कॉर्नफ्लोर। इसे एक अच्छा हम घोल बना लेंगे। इसे क्या होता है कि आपका जो सूप है गाढ़ी हो जाती है, और होटल वाला जैसा जो फ्लेवर आता है, जो इसकी थिकनेस होती है, होटल जैसी दिखती है। अगर आप चाहें तो पतला सूप भी पी सकते हैं, पर थोड़ा सा अच्छा लुक देने के लिए हम डाल देते हैं इसे। कॉर्नफ्लोर डालने के बाद इसे ज़्यादा नहीं पकाना है, सिर्फ 2 से 3 मिनट पकाना है। कॉर्नफ्लोर डालते ही आप देखेंगे कि आपका जो सूप है गाढ़ा होने लगेगा। देखिए हमारा जो सूप है पहले से गाढ़ा हो चुका है। मैंने टोटली 1.5 लीटर पानी डाला है और उबाल करके इसमें मैंने 1 लीटर की लमसम कर दिया है। तो हमारा सूप यहाँ पे तैयार है। आप इसे गर्मा गर्म इंजॉय कीजिए, बहुत ही अच्छा लगता है और टेस्ट में तो बहुत ही अच्छा है। सर्दियों में सूप होता है बहुत ही हेल्दी होता है, जो खांसी सर्दी जुकाम जो भी होता है इससे हमें राहत मिलती है, बहुत ही अच्छा। मैंने चिकन सूप की रेसिपी भी अपने चैनल पे दी हुई है, तब जाके देख सकते हैं, बहुत ही वो भी हेल्दी और टेस्टी रेसिपी है।
ये अब मैंने डाल दिया है थोड़ा सा नमकीन। तो तैयार है हमारे यहाँ पे वेज सूप, बहुत ही टेस्टी और बहुत ही हेल्दी। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें, और साथ ही में घंटी का बटन दबाते जाएं ताकि जब भी मेरा नया वीडियो है सबसे पहले आपके पास पहुँचे।